हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम वरुण त्रिपाठी है और आज हम लोग एग्रीकल्चर एजुकेशन पे टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया पढ़ने आए हैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला। तो स्टार्ट करते हैं। फ्लैजिला के बारे में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बैक्टीरिया का मूवमेंट फ्लैजिला के थ्रू होता है। ये बैक्टीरिया के बॉडी पे बालों की यानी रोम की तरह, जैसे इंसान के बॉडी पे बाल होते हैं वैसे ही इनके बॉडी पे भी होते हैं, और ये फ्लैजिला बैक्टीरिया को वाटर में मूवमेंट में मदद करते हैं। इनकी हेल्प से बैक्टीरिया अब एक जगह से दूसरे जगह तक जाता है। जैसे पानी में पनडुब्बी होते हैं, पनडुब्बी में बैक साइड में आप देखते हैं कि मूवमेंट के लिए लगा होता है टरबाइन, उसी प्रकार से सेम काम बैक्टीरिया में ये फ्लैजिला भी करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बैक्टीरिया क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला। देखिए, मोनोट्राइकस यानी आप यहाँ पर देख रहे हैं एक वर्ड है मोनो, मोनो यानी होता है वन, और ट्राइकस मीन्स पूंछ। तो फ्लैजिला में जैसे ये मान लीजिए एक बैक्टीरिया है, तो इसके पीछे अगर सिंगल फ्लैजिला है तो ये मोनोट्राइकस होगा, मोनोट्राइकस बैक्टीरिया है। एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जिनके आगे, जैसे मान लीजिए एक बैक्टीरिया है इसके आगे और एक पीछे, दो फ्लैजिला लगे हैं, तो ये एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया है। लोफोट्राइकस यानी आप कह सकते हैं इसके पीछे कई सारे बंचेस में फ्लैजिला होंगे, तो ये लोफोट्राइकस बैक्टीरिया है। पेरिट्राइकस, ये इसके पूरे बॉडी पे ऐसे पूरे बॉडी पे फ्लैजिला होंगे, तो ये पेरिट्राइकस है। एट्राइकस जैसा कि नाम से लिखा, ए यानी अब्सेंट, इसमें क्या होगा कि फ्लैजिला अब्सेंट होगा, तो वो एट्राइकस बैक्टीरिया है। थैंक यू एंड प्लीज़ एंड लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। आपको मुझे समझ में आता है कि आपको मैंने सारे फ्लैजिला के बेसिस पे